JCI Goraya City, a worldwide federation of young leaders and entrepreneurs, an elite training program for families, pilot faculty JC Gautam Sikri, national trainer JCI India, on Wednesday 13th Feb at Stella Continental GT Road Goraya, in which chief guest is Madam Devinder Dhillon, founder Indo Kiwi Club Auckland, New Zealand. Madam Devinder Dhillon, jo ki Punjab vich bahut hi vadhiya tarike naal apni sewaan nibha rahe han, New Way Drug Counseling and Rehabilitation Center, jithe mareezan nu nasha chhudaya janda hai, hazaran di ginti vich mareez itthe nasha chhad chuke han te eh center apne ilake vich bahut hi vadhiya tarike naal sewaan nibha rahe hai. Madam Devinder Dhillon ji vallon Lohdi tiyan di da mela bade hi dhoom dham naal manaya gaya. ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ. ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਕਾ? ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਆਪ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏਗਾ, ਆਪਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਆ ਆਪਕੀ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸਰ? ਸੁਪਰ. ਤੋ ਐਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੈਸੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਯੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ. जैसे गुराया ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो जिसमें किसी हम सोशल वेलफेयर में किसी पुअर की हेल्प करना, कोई शादी कराना, कोई कुछ भी इस तरीके के आपकी मर्जी. तो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आके इतना सब कुछ कर सकते हैं और ले भी सकते हैं कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड. हाँ, तो मैं कहां पर था? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर तो हम एक दूसरे से आज पहले इंट्रोडक्शन, एक थोड़ा सा अपना नाम जरूर जानना चाहिए. ठीक है जी, मैं इधर से शुरू करूंगा. ठीक है जी, आईपीपी सर से कि वो अपना नाम बताएं. ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि इनका नाम जिस लेटर से शुरू होता है, उस लेटर से कोई ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव होता है ना. एडजेक्टिव क्या होता है जी? हां जी, विशेष, विशेषता. जैसे मेरा नाम है गौतम. ठीक है, मेरा नाम है गौतम, तो मेरे नाम के आगे अगर मैं एडजेक्टिव ले रहा हूं तो गुड गौतम, ग्रेट गौतम. ठीक है जी, तो वैसे ही एक एडजेक्टिव मिला के फटाफट. तो सर आपसे शुरू करूंगा मैं, क्योंकि अब यहां पर आप सारे बैठे हुए वादा कर चुके हो कि सभी को पार्टिसिपेट करना है. तो थोड़ी देर के लिए आप प्रिंसिपल मैम नहीं हो, आप इमीडिएट पास्ट प्रेजिडेंट नहीं हो, आप प्रेजिडेंट नहीं हो. हम सारे यहां पर क्या है? मैं ट्रेनर नहीं हूं, लर्नर्स. वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स हियर. ठीक है, ये वादा तो है सबका कि हम सारे यहाँ पर लर्नर्स हैं. ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम कहाँ पर बैठे हैं, बस एंजॉय करो, एंजॉय करो. ठीक है, तो सर अपना नाम बताओ. सर ना जेसी की लगाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं. सुखी सुखजिंदर कुमार, बहुत अच्छे जी, एक बार तालियां हो जाएंगे. ठीक है, हाँ जी मैम, आप भी नाम बता दो प्लीज, बैठ के भी बता सकते हो. हैप्पी हिमांशु सेकरी, थैंक यू सो मच. बोल्ड बलविंदर कौर, बहुत अच्छे. हाँ जी मैम, थोड़े तो अच्छे. एक मिनट, नाम सारे मैंने पूछ लेने, याद करो, करी चलो साथ में. हाँ जी मैम बताओ जी. नहीं नहीं, हैप्पी नहीं, वही वही वाला है, सोच के रखो जिससे आपका नाम शुरू होता है. चलो आपको फ्रीडम दी, और कोई हैप्पी, हैप्पी नहीं बोला, हैप्पी तो हो गया, कोई और सोचो. चलो बोलो, कुछ तो बोलो. कुछ भी जो अच्छा लगे, कोई गल नहीं जी, बैठो जी. हाँ जी मैम, रजनी जी, रजनी जी की बात. आप हैप्पी? आशा सारी हैप्पी है जी. हाँ जी सर, हमारे टेक्सला वाले मेंबर ख्याली कुलविंदर, बहुत अच्छे जी. हाँ जी सर, परफेक्ट बलविंदर, बहुत अच्छे सर. डोमिनेटिंग दिनेश लखनपाल, बहुत अच्छे जी, वेरी नाइस सर. माइंड ब्लोइंग मानिक बजाज, लवली नेम भाई. हाँ जी सर्वाइवर सुखजिंदर सिंह, बहुत अच्छे जी. हाँ जी मैम, स्माइलिंग सुप्रीतर, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा नाम है. परम परमजीत कौर, वेरी नाइस जी. पुराना नहीं है, पुराना नहीं है. हाँ जी, क्या नाम है बताइए? मेरे को मत बताओ, वैसे मैंने तो चले जाना, यहाँ पर बाकियों को बताना ज्यादा जरूरी है.
एक हमारी वर्कशॉप यही काम करती है सचमुच में, जो पहले दिन ऐसे अपने नाम तक नहीं बता पा रहे होते, ढाई दिन बाद छाले मार रहे होते हैं कि मेरे को स्टेज से मत उतारो। हाँ जी मुझे नाम मुझे तो सुन जाए, कुरविंदर कौर जी, ओके जी कोई बात नहीं सर। टारगेट विनोद कुमार, बहुत अच्छा नाम है जी, ठीक है जी। एंड आप Gorgeous good record, lovely, बहुत अच्छे, एक बार ताली हो जाए। Humble Harleen, lovely. Rajvi, lovely Rajvi, lovely Rajvi, ठीक है जी, बहुत अच्छे। Simple Sangeeta, ठीक है जी। सादगी से प्रेम संगीता, हाँ जी सर। Richie Rich, नाम भी रिच सर आपका, बहुत अच्छे। मेरे एक दोस्त है उसको भी मैं Richie Rich कहता हूँ, ठीक है मैम। आप बताइए। योगा रेखा कुमारी, बहुत अच्छे जी। मन मंजीत कौर, ठीक है जी। सऊ अमरजीत लाल, हाँ जी। आपके साथ आपके कोई दोस्त बैठे हैं यहाँ पर? हाँ जी सऊ हैं जी। की कंसेप्ट नूं लैके तुसीं अज वाला जिहड़ा इह रंगा रंग हुंदा इदां लग रिहा जिदां विआह दा माहौल होवे, पर लोकां दे अक्खां दे विच बड़ी एनर्जी आउंदी है, जिदां उहने बच्चियां जिहड़ियां काल अकैडमी दीआं जिहड़ा उहनां ने पेश कीता हैगा बेटियां दे बारे, की गल करदे? हाँ जी मैनू इदा लगता भी मेरे डैड ने जिदा मैं पालिया भी धियां के पुतों में कोई फर्क नहीं, तो मैं इदा का ही एटमोसफेयर मिला। तो मैं यही चाहनी हूँ भी अपनी बेटी, मेरा कला सिर्फ लोहड़ी मना ही प्रोग्राम नहीं, मैं चाहनी हूँ ये अपलाई भी होवे रूल। इतने कहना मेरे लिए भी मंच तो सौखा, थोड़े लिए भी सुनना सौखा, पर अपन बेटियां उन्होंने अपने बेटे देखो, उन्होंने जोरदार जिदा जबरदस्त बनाओ, उन्होंने ये दसो भी हाँ तुम हर कप मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हरेक प्यो जिहड़ा जदों बेटी जमदी आ, बेटियां जमनियां सानूं सारिआं नूं वधिया लगदियां, पर जिहड़ी अक्खां लोकां दीआं ना अक्खां तों थोड़ा जिहा जिहड़ा मन डर जिहड़ा हैगा, तुसीं की कहना चाहोगे कि इहदे नाल नाल आपां जे परण भी करवाईए भी अक्खां दी भी लोहड़ी मनावांगे? इह नहीं भी जदों तुसीं आपदीआं बेटियां जिहड़ियां उहनां तां अंदर नहीं अंदर होर अंदर वड़ जा, और जो दूसरे दे बेटियां नूं देख रहे उदों अंदर मतलब खोल खोल के झकना उहनां नाल, उहदे वर्गे। हाँ जी मेरा कहने का मतलब यह भी है कि आप लोहड़ी मनाने अपन अखा की भी लोहड़ी मनाओ कि आप दूजे की धी भैन के अपनी धी भैन देखिए, जिहड़ी कि जींदी जागदी मिसाल मेरे सुखवंत सिंह बराड़ ब्रदर आ। मैनू एक प्रॉब्लम पई तो मैं उतों न्यूजीलैंड तो गूगल करके इन्हों सर्च किया, तो इन्होंने मैनू इन्नी मतलब रिस्पैक्ट दी फोन पर, और उस चीज़ को फॉलोअप भी किया, तो मैनू लगा भी हाँ दुनिया के उत्ते इंसानियत जिंदा आ, और मैं उतो ही इन्हों अपना धर्म भरा मानती हाँ, और मैं सोचती साड़ी यह रिलेशनशिप पूरी उम्र भर चलूगी, पता नहीं कई जन्म तक चलूगी। ये बाई जी थोड़ा दस सकते हैं भी किदा यह अपनी ये अपनी बेटी नू भी बेटिया वगू मतलब पाल रहे हैं, तो जेडे बेटे इन्होंने को रह रहे हैं इतने जोड़ा जोड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को देख रहे हैं, जिड़ी कि मैं देख के एक सेंटर नहीं चला रहे, एक जिदा फैमिली नहीं होंगी। इस तरह मैं बड़ी इस जान के खुशी हुई है, तो यह बाई जी थानू दसूगे ये बारे में। सारिया भैन भरावान सत श्रीकाल। अज तो कोई साल की गल हैगी भैन जी होना तो मैं फोन आया, तो ये कुछ इनफॉर्मेशन लैनी चाहते थे मेथों, तो मैं इन्होंने कहा जी मैं थोड़ा इनफॉर्मेशन तो दे दूंगा, तो इन्होंने मैं सारा आपके बारे दसिया, तो मैं इन्होंने फोन पर ही जिमें कोई मेरी आपकी भैन होंगी आ, तो मैं उस तरह इन्हों फोन पर ट्रीट किया। उदू बाद हौली 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 इन्हों मैं फोन आते रहे, जो भी इन्हों का मैं फोन आना तो मैं इन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट देनी, इन्हों बड़ा वधिया चंगा लग्या। तो ये मेरे तो पुछते आ भी भाई साहब तुम की करते? मैं क्या जाने करके मैं 17-18 साल अमेरिका च रहा है वा, 12-13 साल कैनेडा दे विच, मैं भी एक सिरे का नशेड़ी सीगा पहला, मैनू भी हुण कोई संग नहीं गई स्टेज ते कहण लगे नूं भी मैं सिरे का नशेड़ी सी, पर इन्ना ही आ नशेड़ी हुण भी आ, पर हुण मैं नशा नहीं करदा। वह मैं तां कहिंदा वां नशेड़ी हुण भी आ क्योंकि जिहड़ी मेरी औकात आ उह किते मैं भुल ना जावां, क्योंकि $500 सीगा जिते मैं कैनेडा तो आया वा, तो वह मैनू ही पता है जिहड़े दिन मैं सड़कों पर रह के, वो मेरे फुफड़ जी बैठे आ कैनेडा तो आए हुए, उन्होंने भी पता वा, उन्होंने मैं वेख्या मेरे हालात वेखे,
एक साढ़े गुआढ़ी बैठे है एमसी साहब, इन्हों भी पता, इन्होंने भी मेरे हालात वेखे, मेरी वेखे, मेरे भरा के भी देखे आ। जो मैं सारा सिस्टम चला रहा है, मैं भैन जी होना दसिया जी, क्योंकि यह जो नशा छड़ाऊ केंद्र है, यह मैं पैसे वास्ते नहीं खोलिया गया। जे मैं पैसे कमाने होंगे तो मैं बाहर ही बथेरे कमा लेने से अमेरिका कैनेडा च। मैं पैसे को प्यार नहीं करता, जोड़े मेरे अमली भरा वा मेरे अर्गे आ, मैं उन्होंने प्यार करता। जड़िया भैन वा मावं वा, मैं बहुत तंग किया आपकी भैन न मां, क्योंकि प्यो तो मेरे सिर पर नहीं सगा। मैं थोड़े सारे का, भैन का, भरावान का इतने आने का बहुत बहुत धन्यवाद वाद करता वा। मैं हम होर भी हौसला हो गया, आप अगली वारी ये बैटर करिए। थैंक यू जी। तो इन्होंने नाते भी गर्ग साहब नाते ताड़ी का आशीर्वाद दे दें जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी नशे की शुरुआत इतो इंडिया तो ही हो गई सी। जो मैं कैनेडा गया तो जोड़े मेरे नाल दे होर वर्कर होंगे सके, वो भी नशा करते होंगे सके। उस टाइम तो वह मैरोवाना पीते होंगे सके। तो मैनू इंट्रोड्यूस इतने जिन्हों अपने सोल्फा कह देंगे है उदे नाल कराया गया। उदो मेरी उम्र 17-18 साल की सी। फिर मैं कैनेडा चला गया तो उत्थे जाके भी मैं ये सारे नशे पत्ते उवें ही जारी रखे। वो नशे करदा 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 मैं तां नूं वधदा गया, जानी मैं छड्डण बारे नहीं सोचा गा कि मैं इस देश के दे आया है वा तो आके मैं कोई चंगा काम करा। चंगे काम करने की बजाय मैं उत्थे नशे पत्ते करता रहा। मैं 17 साल कैनेडा के रहा जी, 13 साल अमेरिका के,
ਤੇ ਮੇਰੇ 25-30 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਰਾਜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, 6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਡੁੱਬੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦੂਜੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕ ਦੂਜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 15-15 ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੇਮ ਫਰਾਮ, ਉਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੇਮ ਫਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਭੀ ਕੋ ਉਠਨਾ ਹੈ, ਸਭੀ ਕੋ ਉਠਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਪਰ ਆਪ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਥੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਰ ਬੈਠੀਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਅਭੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਖੜੇ, ਓਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਬ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਉਠਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਔਰ ਅਬ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਅਬ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਾਸ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ। खड़े होना है, पिछली बार वाले दो टेबल, इस बार वाला टेबल, पिछली बार के दो पार्टनर, इस बार वाले दो पार्टनर, लेफ्ट राइट के नहीं रिपीट होने चाहिए। 15 सेकंड है आप लोगों के पास, स्टार्ट। पीछे में बैठे हो सारे सारे, 10, 9, 8, 7। कोई है ऐसा जिसका टेबल रिपीट हुआ हो या पार्टनर रिपीट हुआ हो? नहीं जी, सारे के सारे डिफरेंट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं। पहली बार जब मैंने ये कहा था, पहली बार जब मैंने कहा था कि चेंज करिए अपनी सीट, तो मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली उसमें 2.5 मिनट लगाए, 2.5 मिनट लगाए। क्या लगता है आपको हमने क्या इस एक्टिविटी से कुछ सीखा, कोई बताएगा, कोई शेयर करेगा? सर प्लीज गो अहेड, आप बैठ के भी बता सकते हैं, इट्स ओके, मतलब जैसे आप बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ओके, रेजिंग ऑफ मैटर्स, रेजिंग ऑफ मैटर्स, ओके, लवली, बहुत अच्छे लग गए सारों को। और जब उसके बाद मैं एक्टिविटी को टफ करता गया, टेबल नहीं रिपीट होना चाहिए, पार्टनर नहीं रिपीट होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम 30 सेकंड, नेक्स्ट टाइम 15 सेकंड, और आपने उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम करके दिखा दिया। तो पहले तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दो सर, टाइम मैनेजमेंट एक मिथ्या है, मिथ्या, इट इज मेयरली मिथ्या और कुछ नहीं। जब आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, जब आपको पता होता है मेरे को इतनी देर में यह काम करना है, आप करते हो, स्टार्ट सेटिंग टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। मैं बहुत बार बिजनेस ट्रेनिंग के सेशंस लेता हूं और वो बात आज यहां पर पता नहीं फैमिली मैनेजमेंट में कहां से आ रही है बात, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बारी लेडीज और जेंट्स बहुत हो रहे थे, मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बड़ा ज्यादा बिजी रहता हूं, मेयरली मेयरली स्ट्रेचिंग टाइम, आप सिर्फ टाइम को खींच रहे हो। 2.5 मिनट में जो काम हुआ वो 15 सेकंड में भी हो गया, और हर बारी उससे टफ था। सो स्टॉप कंप्लेनिंग कि आपके पास टाइम नहीं है अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए। अगर आप लोग एक ही रूटीन का काम रोज ही करते जा रहे हो तो आपका रिजल्ट भी एक ही मिलेगा, ये लेसन बांध के रख लीजिए अपने पास। अगर आप लोग को कुछ अनकंफर्टेबल होना पड़ रहा है अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो बनिए,
टाइम मैनेजमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, टारगेट रखिए कि हाँ मुझे इतना टाइम इस चीज के लिए डिवोट करना है, इतना टाइम इस चीज के लिए डिवोट करना है। क्यों एक ही काउंटर पर जाकर हम रोज बैठे रहते हैं? बहुत बार ये मेरे साथ यहां पर कुछ बिजनेसमैन भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, एक ही चीज पर हम बार बार रोज स्ट्रेच करते रहते हैं। आपका काम जो है, स्पेशली मैं बहुत सारे मैं रिटेल वालों को कहना चाहूंगा, आपका काम दिन के 3 घंटे में खत्म हो जाता है। अगर आप उसके बावजूद ज्यादा काम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो उसके लिए आगे डेलीगेट करना शुरू करो, किसी और को दो वो काम, किसी और को दीजिए वो काम, और वो जो बाकी का आपके पास टाइम बचे उसको या तो अपनी डेवलपमेंट या अपनी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए निकाल दीजिए। स्पेशली टू द मेल मेंबर्स, मेरे को टाइम नहीं है फैमिली लिए, मेरे को टाइम है, निकालना पड़ता है। जैसे आपने अभी निकाला, अगर आप टारगेट सेट करके रखोगे, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में आओगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ी अच्छी सी बात है, ठीक है। मैं वॉलंटियर्स चाहूंगा कुछ कपल्स, ठीक है, वॉलंटियर्स। ओके सुरेंद्र जी आप आ जाओ, ठीक है जी आप आ जाओ, भाभी को भी बुला लो साथ में, बेटर आपके साथ आओ जी, बेटर आपके साथ। मुझे 6 कपल चाहिए, सारे कपल चाहिए, एक बार तालियां बजाओ जी, सारे वॉलंटियर्स आए मेरे पास, आप तो भी गए थे। एक छोटी सी बात करनी है, हाँ जी, आप लोगों की फेवरेट आइटम क्या है खाने की, पता है जी आप लोगों को क्या सबसे अच्छा लगता है जी? ठीक है जी, वाइफ को भी पता है ये चीज, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है? ठीक है, पता है जी, क्या है इनकी फेवरेट डिश? नॉनवेज में क्या? बटर चिकन, ठीक है, सारे पंजाबियों की सबसे पहली फेवरेट आइटम होती है। हाँ जी, अभी इनकी क्या है? आलू गाजर मटर, ठीक है जी। अच्छा, आपकी जल्दी जल्दी फ्राइड चिकन जी, हाँ जी, भाभी सिंपल मसल मूंगी की दाल, हाँ जी, चीज पनीर अच्छा लगता है जी, हाँ जी भाभी, सब्जी केड़ी भी सब्जी बना, हाँ जी। अच्छा, आपको पता है इनकी फेवरेट डिश क्या है? क्या है? मूंगफली भुनी हुई, ठीक है, हाँ जी, आपको पता है जी इनकी? चलो एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी है बड़ी मजेदार, आपने अपनी वाइफ की जो फेवरेट डिश है उसकी रेसिपी अभी आप लोगों के पास 90 सेकंड है, उसमें समझनी है, सीखनी है, उसके बाद में पूछता हूँ आपसे, ठीक है जी। अपनी वाइफ की जो फेवरेट डिश है वो उनसे पूछो, ठीक है जी, और उसकी रेसिपी उसको बनाते हैं, ठहर जो तो पहले शुरू हो गए ये पूछो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से आप लोगों के पास 90 सेकंड है, सीखो जी आप लोग, हस्बैंड्स अपनी वाइफ से सीखो फटाफट से। इमेजिन घर पे आप हस्बैंड जो है, हस्बैंड्स वापस आते हैं घर पे, सारा दिन का सारा स्ट्रेस है, सारा सब आते ही वाइफ जो है वो अपना उदास बैठी है, अपना उदास बेड पे बैठी हुई है, अपना लेट रही है, लेटी हुई है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, और उधर से बच्चे हैं वो अपना लड़ रहे हैं, आपस झगड़ रहे हैं, ठीक है जी। मदर फादर जो है वो अपना कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई वैसे बैठा हुआ है, कोई दूसरे तरीके से बैठा हुआ, ठीक है। आपके क्या रिएक्शन होगा उस वक्त, आपका क्या रिएक्शन होगा, हस्बैंड्स का क्या रिएक्शन होगा, कोई बताइए, व्हाट विल बी द हस्बैंड्स रिएक्शन? नहीं, आप तो खुश गए, लेकिन वहां पर ही सारे के सारे ऐसे बैठे हुए, ऑब्वियसली अपसेट होंगे, आप भी अपसेट होंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू विल ऑल्सो बी अपसेट, कि आपको भी उदासी आएगी, आपको भी वही। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, और इसको कैसे रखना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, अपनी लाइफ की खुश वाली एक्सपीरियंसेस को हमेशा याद करते रहो, अपनी लाइफ में जो बेस्ट मोमेंट्स थी उनको याद करते रहो, अपने बच्चों के सामने पॉजिटिव लैंग्वेज रखा करो, जैसे मैंने कहा आई कॉन्टैक्ट रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स। अगर हम बच्चों के, मैं बच्चा मेरा आके मेरे को अपनी कोई स्कूल की एक्साइटिंग चीज बता रहा है, मैं अपने मोबाइल में लगा हूं, मैं मोबाइल में मैसेज दे रहा हूं, दिस इज ऑल नेगेटिव पॉजिटिव। और मैं खासकर ये फादर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपसे कोई बात करने आता है आपका बच्चा, उसकी आंखों में देखो, उसको अटेंशन दो, उस वक्त उसकी बात सुनो, चाहे 2 मिनट या 5 मिनट लग रहे हैं, मोबाइल को साइड पे रख दो। आपका कोलीग, आपका स्टाफ मेंबर, आपके स्टाफ का कोई बंदा आपके पास आके बात कर रहा है, उसको तरफ देखो पॉजिटिव तरीके से। थर्ड इज
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पावरफुल वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। इसके ऊपर एक मैं चीज दिखाना चाहूंगा आपको, प्लीज। फोर्थ पी है, जो फोर्थ पी है ना, उसको कहते हैं परसिस्टेंस। कभी अपने ऊपर या अपनों पर गिव अप नहीं करना। कितनी बार हुआ है? ये तो फिल्म थी। हम कितनी जल्दी छोटी सी बात पर गिव अप कर जाते हैं अपनों को। अगर आप आंखें बंद करके एक मिनट के लिए याद करने की कोशिश करेंगे ना, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी छोटे सी बात पर हमने अपनों पे गिव अप कर दिया होगा, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, पेरेंट्स पर, बच्चों पर। क्यों गिव अप? अगर रिश्तों को बनाकर रखना है तो किसी ना किसी को तो अपना ईगो छोड़ना होगा, परसिस्टेंस रखनी होगी कि हाँ मुझे एंड तक लेके जाना है तुम्हारे साथ, मुझे एंड तक चलना है तुम्हारे साथ। दैट इज द फोर्थ पी, व्हिच इज परसिस्टेंस। नेवर एवर एवर गिव अप ऑन योर लव्ड वंस। जिनको हम प्यार करते हैं उन पर गिव अप नहीं करना, कभी लगे रहना जब तक वो हमारे अपने कुछ बन नहीं जाते। ठीक है, एम आई क्लियर? अब हमारे बच्चे सारे आ चुके हैं। अच्छा बच्चों, सारे के सारे बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जहां जहां बैठे सारे। आप लोगों को तीन ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। एक्टिविटी बड़ी मजेदार है। आप लोगों के लिए कुछ सामान आया हुआ है पीछे। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है खाने में? खाने में बर्गर अच्छा लगता है? बर्गर खाते हैं? बर्गर बच्चे खाते हैं? ठीक है ना, तो बर्गर ना आज हम बना के खाएंगे और खुद नहीं खाएंगे, मम्मी पापा को खिलाएंगे। ठीक है, मम्मी पापा को, यहां सबको खिलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों लीडर्स हैं, तीनों भैया दीदी हैं, ठीक है, हमने इनके साथ जुड़ जाना है। आपको जो अच्छा लगे, जो इनमें से, इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करके रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हमें वहां सामान दिया हुआ है, पीछे भैया हैं, राहुल भैया वहां पर हैं, अंशुमन भैया वहां पर हैं, वो आपको सामान दे देंगे। आपके पास पता कितना मिनट है? ओनली 15 मिनट्स में आपको बहुत अच्छा सा बर्गर बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम है, वो जो बर्गर बनाने का सामान है ना, उसके पैसे लगेंगे। ऐसे नहीं फ्री में देते हम, ठीक है। तो पैसे जो है आपको, वो आप जहां से मर्जी बोरो करो, मम्मी पापा से लो, चाचू चाची से लो, मेरे से मत लो, किसी से भी ले लो, यहां पर जो बैठे जैसे मर्जी लो, वो पैसे लो, वो वहां जाकर वो सामान पड़ा हुआ है ना, वो हर चीज का कोई ना कोई प्राइस है, आपको वो खरीदना है। ठीक है, और बर्गर बनाकर चलो आपको 18 मिनट्स दे देते हैं। 18 मिनट्स में सामान खरीद के बढ़िया सा बर्गर बना के यहां लेके आना है, और बेस्ट बर्गर के लिए ट्रॉफी है, बेस्ट बर्गर के लिए ट्रॉफी है। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। ठीक है, बोल लो, बोल लो जी, बोल के भी कर सकते हो, डम चराट नहीं खेल रहे, मुंह में चम्मच डाल के समझाओ जी, चम्मच मुंह में होना चाहिए, समझाओ। आप तो इशारे करने लगे, बोल सकते हो आप, बोल सकते हो, अरे बोल सकते हो ना, ये क्या कर रहे हो आप? रूल यही है कि मुंह में चम्मच डाल के बोलिए, समझाइए उनको क्या लिखा है, ट्राई करो, बताओ सर। अरे इट्स वेरी इजी, ट्राई करो, बोल के तो देखो। अरे कमाल है, बोलो तो सही सर, बोलो, कहीं नहीं, बोलो एक बारी। अरे बोलो तो सही सर, आप ट्राई तो करो, क्या करा था हमने स्टार्ट में, 100% कमिटमेंट मींस ट्राई, बोलो तो सही। चलो ले लो जी, अब बोलो, सबको दिखा दो एक बार, बोलो ये क्या लिखा है, उनको लिखवाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 बोलो सर। ठीक है जी, जो आपको जैसे लगता समझाओ जी, मेरे को कुछ नहीं पता जी, उनको समझाओ, समझो जी ये क्या है, विदाउट वो
हाँ जी, ये आपको मार्केट जाने के लिए कुछ ऑर्डर लिखा रहे हैं। सर तुझे तो बहुत ही शरीफ बच्चे मगर इतना खड़ गए हो। सर बोलना जाता है, मैं 10,000 बार ये काम कर चुका हूं, 10,000 बार, कोई बात नहीं। हाँ जी, लो सर लो, अभी ट्राई कर लेते हैं, लो मुझे कह रहे हो। ट्रेनर को तो करना पड़ेगा, गुरु को एग्जांपल देना पड़ता है। समझ लगी या नहीं लगी ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने मैंने आवाज निकाल के दिखा दी, आप कह रहे हो कि आवाज ही नहीं निकली। देखो जी ऐसा है, मेरे हाथ में प्रेसिडेंट सर ने बेस्ट कपल के लिए अवार्ड निकाल दिया है, वन नाइट स्टे एट होटल स्टेला। हाँ जी, हूं तो ट्राई बनती है, हूं तो ट्राई बनती है किसी भी तरीके से। अभी पीछे हमने पी देखा, परसिस्टेंस दादी वाला। सर बोल तो लो एक बार। बोल के देखो तो सही, क्यों गिव अप कर रहे हो। कोई और है जो ट्राई करना चाहेगा, कोई भी और ट्राई करना चाहेगा, कोई भी जो पहले भी आ चुका हूं। हाँ जी, लवली, ये मेरे फेवरेट कपल आ गए जी। दिनेश जी प्लीज आओ। सर मुंह में चम्मच डाल के आपको ये ऑर्डर लिखाना है भाभी को, मुंह में चम्मच डाल लो, ये वाला जुगता हो गया। कमॉन कमॉन कमॉन, कहाँ है भाभी, कहाँ है? ओके ये रे। क्या बोला इन्होंने? एक मिनट भाभी से पूछ ले, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है ना आपस में। दोबारा दोबारा सुनो जी। हाँ जी, एक किलो सांभर, एक किलो गाजर, एक किलो शक्कर, सारा कुछ एक किलो थोड़ी था। लास्ट ट्राई देता हूं मैं, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, अभी भी वो परफेक्शन में पहुंचे नहीं है, करना ट्राई। एक पैर सांभर, एक पैर गाजर, एक मुंह शक्कर, एक मुंह पैर, एक प्लेट सांभर, एक किलो गाजर, दो मेनू नहीं पता। अभी नहीं हो रहा। एक बार दिनेश जी के तालियां हो जाए, उनकी स्पिरिट के लिए तालियां हो जाए। इट वॉज सो सिंपल, एक प्लेट सांभर, एक किलो गाजर, एक बूंद शक्कर और एक बाल्टी पानी। गुरशरण सभी अपनी टीम को यहाँ सामने खड़ा दो, ठीक है? हाँ जी, सारी टीम यहाँ आ जाओ, सारी टीम जाओ। अरे वाह, इतने सारे, मेरे तो तीन के लिए थे, ये तो बर्गर किंग बना दिया इन्होंने, ठीक है? अब सारे बच्चे मेरी बात सुनोगे ध्यान से, आपने
बर्गर लेकर हर टेबल पर जाके जो अंकल आंटी बैठे हैं, पेरेंट्स सभी सुन रहे हैं ना मेरी बात, सभी ध्यान से उसी हिसाब से। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो सारे, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं प्लीज। Everyone pay attention towards me. No, no noise from here, please. It's important. सबसे पहले सभी बच्चों के इस ब्यूटीफुल एफर्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। खड़े होके तालियां हो जाएं। Clapping. Everyone should stand up and clap for our children's efforts. Beautiful effort. थैंक यू बेटो, आपको पता है आपने कितना यम्मी बर्गर बनाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, पीछे से कोई बोलना मत प्लीज। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। आपको पता है आपने कितना अच्छा बर्गर बनाया है? आपको भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग मेरे को ऑनेस्टली जवाब दोगे, आंसर दोगे ना? ठीक है। आप जब वहां पर गए तो आपको ये सारी आइटम्स फ्री में मिल गई? फ्री में मिली? गुड इवनिंग टू एवरीवन हियर, आई एम गुरशरण कौर एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट अ पोएम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे के ना के लाए थोड़ी सी आई मामा साडा हार चला रही हो पे यार ये को दे चलो ओ साफड़े यार हार मारे 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 शरीफ सारे मिलन chamber and shall at all times uphold its ideals and principles. Okay, congratulations.
टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोग जेसी मेंबर, जेसी परविंदर पास्ट जोन प्रेसिडेंट भी साढ़े को है ने। ते तुसी देखो एस सीनियर्स भी है जिन्हों के असी एज ए मेंटर मानते हैं, या इस तरह के परसन है जिन्हों के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो सर 2018 के भी JCI ग्रैंड सिटी स्टार ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, तुम्हें पता है। तो 2019-2018 से बड़ा है, तो हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2018 से अब ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा बड़े करने होंगे। आप उसके लिए तैयार हो सर? ठीक है सर, तो आप अपनी बैटर आपको साथ में बुला लेंगे। मैं गया तो वो प्रेसिडेंट ने मैं कान च पता की कहता, वाइफ तो ना पूछना। मैं उ वाइफ न बुला चुका सगा, तो उस टाइम के उत्ते मैं उन्होंने यही गल कही कि हाँ जी आप ज्वाइंटली ओथ लाऊंगे। तो कोई गल नहीं जी, बहुत अच्छा है कि तुम इसलिए तैयार हो। तो मैं चाहागा कि जैसे ग्रैंड सिटी स्टार का नाम पहले नालों भी होर उच्चा उच्चे, तो पीए तो तुम जा ही रहे हो। सोलमली सीयर दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ JCI ग्रैंड सिटी स्टार एज प्रेजिडेंट एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई अबिलिटी सर्व एज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी एंड बिलीफ एंड विल अपहोल्ड एंड इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम्स। प्रेजिडेंट नो एक पैटर्न देकर जा रहे हैं कि जिस हाइट से मैं जैसे ग्रैंड सिटी स्टार छड़ के जा रहे हैं, तो होप कर रहे हैं। वेलकम ऑल, सब तो पहले मैं सब का स्वागत करता है साढ़े इस प्रोग्राम च शिरकत करने लिए। साढ़े इतने पहुंचे हुए चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर साढ़े जोन प्रेसिडेंट, तो साढ़े जोन वाइस प्रेसिडेंट, तो साड़ी सीनियर टीम, मैं सारे का इतने इन्ना सहयोग देने बहुत धन्यवाद करता। तो मैं आस करता कि साढ़े जो पुराने प्रेसिडेंट, साढ़े पास्ट प्रेसिडेंट, वो मैं जिदा पिछले साल इन्होंने सानू अगे लेके आए, उदा ही सानू उपर चकन लिए इस साल साडा साथ देंगे। मैं इस आस नाल पूरे शहर के नाल पूरे हर समय तैयार रहूँगा, तो किसी भी तरह की कोई सहयोग की लोड़ हो, मैं हर समय दिन रात 24 घंटे मेरे वाल रहूँगा। थैंक यू। Guest of honor, ma'am. She is from the same fraternity. And good evening to all of you, JCI members. First of all, I just want to appreciate pilot sir Gautam ji. That was an amazing kind of session. Though I feel very sad that my bachche or husband is not with me today because they are having their final exams. Actually, I was busy somewhere else. So, दो तीन चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बोली। एक तो ग्रोथ की जो उन्होंने डेवलपमेंट, इसको हम पढ़ते होते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेजेस है लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। When you are going to sit in some sessions and you have to empty yourself, that is the unlearn. अगर हम हमेशा ही समझे मुझे पता है मुझे, sometime you have to like this, I don't know. That is the best way to be a part of this beautiful people. Next, उन्होंने एक बोला कि response and reaction. Reaction is always an enslavement and responsibility is always a freedom. जो बंदे अपनी responsibilities और अपनी duties अच्छे से निभाते हैं, और सारी फैमिली का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं JCI कराया सिटी स्टार का इस सम्मान के लिए धन्यवाद करती हूँ। खास करके बड़ा गर्व महसूस होता है जब अपने ही बच्चे आपको सम्मान दें। JCI कराया सिटी स्टार
गुराया के लिए जहाँ गुराया के नौजवानों के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझती हूँ कि बच्चों की अपनी सोशल एक्टिविटीज के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो जेसीआई गुराया ने दिया। मैं समझती हूँ खुद को अपनी पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट के लिए जेसीआई का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और जेसीआई सोशल वर्क और इनकी इनोशिएटिव को देखकर मैं ये समझ रही हूँ कि इस विनायक पब्लिक हाई स्कूल में अगर जेजी बीम खोला जाए या चलाया जाए तो मेरे का ज़्यादा अच्छा होगा ताकि छोटे बच्चे भी इनका अनुसरण कर सकें। और आशा करती हूँ कि ये जो टीम है इस साल इतना बढ़िया काम करे कि गुराया में जहाँ गुराया के बाहर एक मसाल काम करे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਮੀ ਕੌਰ ਬੋਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਠ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਦੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਗੌਤਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। तो आप सबको कैसा लगा? मौसम अभी वुमन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी तो हम में से लेडीज में से कितने मेंबर्स यहाँ पर जेसीज हैं? जा रहे हैं कल रविंदर जी मेरे साथ उसके ऊपर पीए पे भी जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल एकेडमी जो कि वृंदावन में हो रही है तो तीन दिन का सेशन है। आज जो आपको परमिंदर मिल रहा है तीन दिन बाद आपको वो एक नया चेंज परमिंदर मिलेगा जो कि जेसीएन गुराया सिटी स्टार को पूरे साल के लिए बड़े ही इफेक्टिव तरीके से हैंडल करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हमने गौतम जी की तरह यही स्टेज पे पहुंचना हो तो वो प्लेटफॉर्म भी जेसीआई प्रोवाइड करता है। हम में से स्पीच क्राफ्ट किन लोगों ने की हुई है? अंशुमन और मोहन काफी पुराने मेंबर्स भी हैं हमारे बीच में है ना। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि स्पीच क्राफ्ट इसमें एक पहली कड़ी है, आपको कैसे बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ कट करना है, कहाँ हाथ रखना है, कैसे करना है, वो हर चीज इस ढाई दिन के प्रोग्राम में करवाई जाती है। स्पीच क्राफ्ट का वेन्यू भी बता देता हूँ, आपके बिल्कुल पास जलंधर में होने जा रहा है इस बार। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग अप्रैल में गौतम जी इट इज गोइंग टू बी देयर इन अप्रैल मोस्टली इट्स देयर इन अप्रैल तो ये अप्रैल में होने जा रहा है कि असी ट्रेनिंग प्रोग्राम दे विच आए हैगे हां। अज जेड़ी मैं शख्सियत दा नाम तुहाडे सामने ले रहा हां कि साडे चीफ गेस्ट मैडम दविंदर ढिल्लो जी। दविंदर ढिल्लो जी मैनूं लगदा कि अपनी इस गैदरिंग दे विच अपने पूरे फैमिली ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੋਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੋਪਾਰਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਾਸੇ ਭਾਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੇ ਬਣੋ, ਆਪ ਵੋ ਬਣੋ, ਉਹ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਆ ਉਨਕੋ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਕਭੀ 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 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪ ਬਈ ਡੈਡ, ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮ ਔਰ ਡੈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਥੈਂਕਸ। ਤੇਰੇ ਟੌਣ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਐਦਿਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਡੋਲ ਤੇ ਮਾਰਾ, ਮਾਣਿਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਭਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ, ਡੇਂਜਰ ਵਸੀਨ ਕੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਕੋਲ ਮੈਂ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇ 47 ਨਾਮ ਯਾਰ ਯਾਰ ਖਾਸ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੌਤਮ ਸਿੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਕਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਓਨਰ, ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।